Assalamualaikum beta, welcome to the live lecture series of the BCI. तो बेटा हम क्लास 11th में स्टडी कर रहे थे, that was the kingdom Monera. और किंगडम मोनेरा में बेटा हमने एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा उसको हमने बैक्टीरिया का नाम दिया, और उसी बैक्टीरिया के बारे में बेटा हम स्टडी कर रहे थे. और कुछ स्टडी हमने बैक्टीरिया के बारे में बेटा की, हमने कुछ क्लासिफिकेशन इसमें की, जिसमें लास्ट लेक्चर हमारा था बेटा, दैट वॉज द ग्राम स्टेनिंग. तो आज हम बेटा स्टडी करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की स्टडी बेटा आज हम करेंगे. पहले मैं एक बेटा ओवरव्यू यहां पे दूंगा कि जो ये बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है बेटा, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. हमें इसमें बेटा ओवरऑल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़नी है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेटा प्रेजेंट है. तो इसमें बेटा हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में पहले बेटा देखना है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, That's called as glycocalyx. दूसरा हमें इसमें स्टडी करना है, that is called as a cell wall. तो पहले हम बेटा glycocalyx को स्टडी करेंगे, फिर बेटा सेल वॉल को स्टडी करेंगे, उसके बाद बेटा हम इसमें स्टडी करेंगे, that's called as plasma membrane. उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे इसमें, that is called as cytoplasm. और cytoplasm में बेटा हम स्टडी करेंगे nucleoid को बेटा स्टडी करेंगे. साइटोप्लाज्म में बेटा हम स्टडी करेंगे प्लाज्मिड को, बेटा स्टडी करेंगे. उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे इसमें कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज आती हैं. तो उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे इंक्लूजन बॉडीज जो इसमें हैं उनको स्टडी करेंगे बेटा. उसके बाद बेटा हम बैक्टीरियल सेल में स्टडी करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स को. तो और भी बेटा हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे या क्या क्या प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरियल सेल बेटा, इनको हम एक एक करके स्टेप वाइज बेटा स्टडी करेंगे. ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल पे जाएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोइड, फिर प्लाज्मिड, फिर इंक्लूजन बॉडीज, फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिर लास्ट में इसमें देखेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में बेटा रिप्रोडक्शन कैसे होती है और इनके टाइप्स क्या क्या है बेटा. ठीक है, तो ये बेटा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में. तो अब बेटा हम पहले स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. तो पहली स्ट्रक्चर जो बेटा हम स्टडी करेंगे इस समय, उसको बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये पहली स्ट्रक्चर बेटा हम यहां पर स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. तो पहले बेटा देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो बेटा है ये क्या है. ग्लाइकोकैलिक्स हम बेटा कहते हैं, इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. तो हम यहां पे लिख रहे हैं, इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. दूसरी बात बेटा, अगर ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन बेटा हम देखेंगे, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, या तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, या तो हम बेटा कहते हैं दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ बेटा कुछ प्रोटीन्स होंगे. तो अगर इसकी कंपोजिशन बेटा हम देखेंगे, तो हम कह रहे हैं या तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना होगा, या तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होगा. ठीक है बेटा, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बेटा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, पॉइंट को समझना बेटा, अगर ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, तो उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. तो उस वक्त बेटा हम इसको स्लाइम लेयर का नाम देते हैं. अगर ये बेटा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होगी, तो उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल. तो उस वक्त बेटा हम इसको कैप्सूल का नाम देते हैं. तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे, सो सबसे बाहर जो सबसे आउटर लेयर पाई जाते हैं बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बेटा, ये एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इट इज मेड अप ऑफ, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, या तो हम कहेंगे बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन होंगे. अगर इस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर में बेटा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, तो उस वक्त हम बेटा इस लेयर को नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. तो उस वक्त बेटा हम स्लाइम लेयर का नाम देंगे. लेकिन अगर इसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होंगे,
कार्बोहाइड्रेट भी होंगे लेकिन कुछ प्रोटीन भी बेटा इसके साथ अटैच होंगे। उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो इस वक्त बेटा हम इसको कैप्सूल का नाम देते हैं। अब पहले बेटा देखेंगे जो स्लाइम लेयर है बेटा इसकी क्या फंक्शंस है। स्लाइम लेयर की बेटा दो फंक्शंस है। एक फंक्शन है स्लाइम लेयर की बेटा, इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन से बेटा ये बैक्टीरियल सेल को बचाता है। तो हम कहेंगे स्लाइम लेयर बेटा बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डेसिकेशन। और दूसरी फंक्शन है बेटा ये प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट लॉस बेटा ये नहीं होने देता है। तो हम कहेंगे एक तो ये डेसिकेशन से बेटा बचाता है बैक्टीरियल सेल को, और दूसरा पॉइंट हम कहेंगे ये न्यूट्रिएंट लॉस बेटा नहीं होने देता है। तो ये बेटा स्लाइम लेयर के बारे में था। अब बेटा देखेंगे कि इसमें जो कैप्सूल होता है कैप्सूल की बेटा क्या फंक्शन है, समझना मेरी बात। तो हमने कहा अगर ग्लाइकोकैलिक्स में बेटा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होंगे दोनों होंगे बेटा, तो उस वक्त इसको कैप्सूल का नाम देते हैं। और जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जिनमें बेटा कैप्सूल होता है इनका क्या काम है, ये बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, ये बेटा पैथोजेनिसिटी बेटा क्रिएट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूंगा बेटा जो कैप्सूल होता है बेटा इट एक्ट्स, या मैं ये कहूंगा बेटा इससे बेटा डिजीज कॉज होती है, इट कॉजेज डिजीज, ये बेटा डिजीज कॉज कर रहा है यानी कि इसमें पैथोजेनिसिटी है। तो इसका मतलब है बेटा जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा वो बैक्टीरिया बेटा एक डिजीज कॉज करेगा, इट कैन कॉज द पैथोजेनिसिटी। तो ये पहली लेयर के बारे में था बेटा जो हमने ग्लाइकोकैलिक्स को बेटा यहां पर पढ़ा। अब दूसरी स्ट्रक्चर बेटा हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ए सेल वॉल। दूसरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज ए सेल वॉल। अगर बैक्टीरिया के बारे में सेल वॉल में बात करेंगे तो इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किसका बना होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो हम कह रहे हैं बेटा ये पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। अब मसला यह है बेटा कि यह पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, क्लियर बेटा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास बैक्टीरिया दो टाइप्स के हैं, एक टाइप है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा टाइप बेटा हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। समझना मेरी बात बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव होता है बेटा इसमें जो सेल वॉल होती है वो बेटा सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो हम कहेंगे इसमें सिर्फ बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है बेटा इसमें आपको 10% ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा, 10% इसमें बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, 10% बेटा इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। और जो बाकी होता है बेटा दैट इज एक्चुअली लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, उसको बेटा हम लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव में आपको पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा, ग्राम नेगेटिव में आपको सिर्फ 10% ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा। तो अब हम देखेंगे बेटा एक्चुअल में ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये किसका बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो बेटा आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो हम कहेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दूसरा आपको इसमें मिलेगा प्रोटीन, इसमें बेटा एक्चुअली प्रोटीन्स मिलेंगे, या तो बेटा हम कहेंगे यहां पर इसमें एमिनो एसिड्स मिलेंगे, क्लियर बेटा। अब पहले देखते हैं कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा इसमें प्रेजेंट होता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से इसमें दो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, एक शुगर बेटा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल ग्लाइकोसोएमाइन। तो एक होता है जिसको हम नाम देते हैं एन एसिटाइल ग्लाइकोसोएमाइन, जो दूसरा होता है बेटा उसको हम नाम देते हैं एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। तो दूसरा इसमें होता है एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। तो हम कहेंगे बेटा इसमें दो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एन एसिटाइल ग्लाइकोसोएमाइन और दूसरा है बेटा एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। और प्रोटीन्स की एमिनो एसिड्स की अगर बात करेंगे बेटा हम, तो इसमें चार होते हैं, चार एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें बेटा। एक होता है जिसको हम नाम देते हैं एल एलानीन, दूसरा बेटा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज डी एलानीन, समझना मेरी बात।
और एक होता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी ग्लूटामिक एसिड या डी ग्लूटामिक एसिड हम लिखेंगे। और एक होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज डी लाइसिन, जिसको बेटा हम डी लाइसिन का नाम देते हैं। ठीक है, ये चार एमिनो एसिड जो बेटा होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में बेटा एक डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव में बेटा आपको एल एलानिन भी मिलेगा, इसमें बेटा आपको डी एलानिन भी मिलेगा, इसमें बेटा आपको डी ग्लूटामिक एसिड भी मिलेगा, लेकिन यहां पे बेटा डिफरेंस है, आपको ग्राम नेगेटिव सेल में डी लाइसिन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, वहां को आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डी एमाइनो पाइमिलिक एसिड, डी एमाइनो पाइमिलिक एसिड या डाई एमाइनो पाइमिलिक एसिड, डाई एमाइनो पाइमिलिक एसिड जो बेटा है इट इज फाउंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फिर से बेटा बताऊंगा एक बार, अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपको दो मिलेंगे, शुगर्स दो होंगे, एक होगा एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन और दूसरा होगा एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर एमिनो एसिड्स की बात करेंगे तो चार एमिनो एसिड्स है, वन इज डी एलानिन, एल एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी लाइसिन। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको बेटा क्या मिलेगा, डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड और डायमेरो पाइमिलिक एसिड बेटा आपको मिलेगा इन प्लेस ऑफ डी लाइसिन। ठीक है बेटा, ये जो चार एमिनो एसिड्स बेटा इसमें है, ये चारों के चार एमिनो एसिड्स बेटा लिंकड होते हैं एक दूसरे के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रापेप्टाइड। यानी कि बेटा ये चारों एल एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, यहां पे रखेंगे डी लाइसिन बेटा, इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे बेटा, और यहां पे चार एमिनो एसिड्स है इसलिए इसको नाम देंगे टेट्रापेप्टाइड, इसलिए इसको टेट्रापेप्टाइड का नाम देंगे बेटा। क्लियर, इट इज कॉल्ड एज ए टेट्रापेप्टाइड बोथ इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बेटा थोड़ी स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेल वॉल की, इसकी स्ट्रक्चर बेटा कैसे होती है। ठीक है बेटा, होता क्या है बेटा, इसमें आपको इसमें मिलेगा फॉर एग्जाम्पल एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन, एक हमारे पास यहां पर है, या मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा नैक, ये बेटा नैम के साथ बेटा कनेक्टेड होगा, और इनके बीच में जो बेटा लिंकेज होती है दैट इज कॉल्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनके बीच में बेटा आप देखोगे। तो यहां पे एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन फिर नैम होगा, फिर से यहां पे आपको बेटा मिलेगा एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन, फिर से बेटा आपको यहां पे मिलेगा नैम, फिर से यहां पे बेटा मिलेगा एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके दरमियान में होगा। इसी तरह बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक दूसरी चेन होगी, इसी तरह दूसरी चेन होगी एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन, इसी तरह होगा एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, इसी तरह बेटा होगा एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन, इसी तरह बेटा होगा एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, इसी तरह बेटा होगा एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा मैं दो चेन्स बना रहा हूं यहां पे, ऐसे दो चेन्स होगी। ठीक है, असल ना मेरी बात, ये जो एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड होता है, हर एक एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड के साथ आपको एक टेट्रापेप्टाइड लिंकेज मिलेगी। जो अभी मैं टेट्रापेप्टाइड बेटा बना रहा था जिसमें एल एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामिक और उसके साथ था डी लाइसिन बेटा, हर एक एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड के साथ आपको इस तरह से एक टेट्रापेप्टाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे भी बेटा आपको क्या मिलेगा, एक टेट्रापेप्टाइड मिलेगा, तो ये और एक टेट्रापेप्टाइड है। इसी तरह बेटा आप यहां पे देखोगे इसके साथ एक टेट्रापेप्टाइड होगा, इसी तरह बेटा आप देखोगे यहां पे भी एक टेट्रापेप्टाइड होगा। क्लियर बेटा, अब ये जो दो टेट्रापेप्टाइड है देखिए, इसी तरह और एक लिंकेज होगी, इसी तरह और एक लाइन मतलब एक पॉलीपेप्टाइड सॉरी, इसी तरह और एक बेटा क्या मिलेगा आपको एनस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन और एक चेन मिलेगी, फिर और एक चेन मिलेगी, फिर और एक चेन मिलेगी, और हर एनस्टाइल ग्लूटामिक एसिड के साथ आपको एक टेट्रापेप्टाइड लिंकेज मिलेगी। ठीक है बेटा, ये जो टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बेटा कनेक्टेड होते हैं,
तो इनके दरमियान में बेटा बॉन्डिंग होती है, इसी तरह आप दिखाओगे ये भी इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसमें क्रॉस लिंक्स बनेंगी, इसमें बनेंगे बेटा आप देखोगे यहां पे क्रॉस लिंक्स बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे 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 चेन्स होंगे तो उनके बीच में बेटा आप देखोगे ऐसे फिर क्रॉस लिंक्स होंगे और क्रॉस लिंक्स बेटा बनेंगे बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड। और ये जो लिंकेज होते हैं बेटा इट इज बीटा 1,4, ये भी बेटा बीटा 1,4 लिंकेज यहां पे होती है, क्लियर बेटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर बेटा आपको ऐसे मिलेगी, क्लियर बेटा। तो इसके बाद हम आएंगे और एक पॉइंट, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो बेटा सेल वॉल होता है उसमें बेटा क्या मिल रहा है हमें, उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज टाइकोइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टाइकोइक एसिड। तो एक एसिड इसमें प्रेजेंट है, उस एसिड को बेटा हम नाम देते हैं टाइकोइक एसिड। दिस टाइकोइक एसिड एक्ट्स एज ए सरफेस एंटीजन, ये बेटा सरफेस एंटीजन का काम करता है, इट एक्ट्स एज ए सरफेस एंटीजन। इसी तरह बेटा अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखेंगे, ग्राम नेगेटिव में बेटा देखेंगे, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है बेटा, वहां पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, वहां पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है बेटा दैट एक्ट्स एज एन, वो बेटा यहां पे काम कर रहा है सरफेस एंटीजन का, दैट वर्क्स एज एन सरफेस एंटीजन, ठीक है बेटा। तो ये बेटा थोड़ा सेल वॉल के बारे में था, ठीक है। तो पहले आपने बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, और जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा वो लेयर जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इट्स मेड अप ऑफ इधर कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट से बनी होगी तो कहेंगे स्लाइम लेयर, अगर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बनी होगी तो हम इसको नाम देंगे दैट इट्स कॉल्ड एज कैप्सूल। स्लाइम लेयर बेटा डिस्केशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूट्रल लॉस बेटा होने नहीं देता है, जो कैप्सूल होता है बेटा ये पैथोजेनिक होता है, ये डिजीज काज कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म में या जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा सेल वॉल, सेल वॉल में हमने देखा दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, हमने देखा अगर ग्राम पॉजिटिव को देखेंगे दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ द सेल पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन जो है दैट इज ओनली 10%, वो सिर्फ 10% बेटा प्रेजेंट है, बाकी जो उसमें होता है दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड। फिर उसके बाद हमने बेटा देखा ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये किसका बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ टू शुगर्स एन एसिटाइल ग्लाइकोसैमाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, दोनों बेटा शुगर्स है कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो एमिनो एसिड्स होते हैं चार एमिनो एसिड इसमें होते हैं एल एलानिन डी एलानिन डी ग्लूटामिक एंड डी लाइसिन, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव डी लाइसिन के बजाय बेटा आपको वहां पे मिलेगा दैट्स कॉल्ड एज डायमिनोपाइमिलिक एसिड। सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमने कहा बेटा ये कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, कैसे बनाते हैं, एक चेन्स बनते हैं बेटा, और जो चेन्स बनते हैं दैट आर मेड ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ एनिस्टाइल ग्लाइकोसोमाइन एनिस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो मिलकर एक चेन बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारी चेन्स होती है इन दो शुगर्स की, ठीक है। फिर मैंने कहा कि हर एक एनिस्टाइल ग्लूटामिक एसिड के साथ बेटा एक टेट्रापेप्टाइड होता है, ठीक है। सो टेट्रापेप्टाइड उसके साथ लिंक होता है, फिर इन टेट्रापेप्टाइड के बीच में भी बेटा लिंकेज होती है। तो आप देख रहे हो कि एक चेन बना रहा है बिकॉज ऑफ द शुगर्स, उसमें जो क्रॉस लिंक्स बनते हैं फिर वो टेट्रापेप्टाइड्स के होते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने सेल वॉल को थोड़ा थोड़ा देखा, और लास्ट में हमने देखा ग्राम पॉजिटिव बेटा टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बेटा टाइकोइक एसिड एक्ट्स एज अ सरफेस एंटीजन, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव वहां पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है दैट एक्ट्स एज एन सरफेस एंटीजन।